दुर्ग शहर वासियों को जल्द मिलेगी शिवनाथ नदी तट पर प्रकृति की खूबसूरती का नजारा। 11 करोड़ की लागत से शिवनाथ तट पर रिवर फ्रंट बनाए शहर विधायक, महापौर व आयुक्त ने किया स्थल का निरीक्षण। दुर्ग शिवनाथ नदी तट पर बहुत ही जल्द शहर वासियों को प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। जी हां, शिवनाथ नदी तट की सुंदरता का लुत्फ शहर के नागरिक रिवर फ्रंट के माध्यम से उठा सकेंगे। शिवनाथ नदी के आसपास रिवर फ्रंट स्थापित हो रहा है, जिसके चलते विधायक अरुण वोरा जमीन चिन्हांकित करने पहुंचे, जिसके बाद स्थल निरीक्षण के साथ ही रिवर फ्रंट के किनारे के पिंचिंग के साथ वाली रिक्त जमीन को विकसित करते हुए रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जहां खूबसूरत गार्डन के साथ बच्चों के लिए प्ले जोन और चौपाटी भी बनाई जा रही है। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रिवर फ्रंट पर विधायक ने कहा कि इसके साथ ही मंदिर के पास से 400 मीटर के भीतर कैफेटेरिया, चौपाटी, पार्किंग, लाइटिंग की व्यवस्था बेहतर रखनी होगी। 4.5 साल में शहर का चहुमुखी विकास हुआ है। आपने देखा होगा शहर में अच्छी चौड़ी सड़कें बन गई हैं और प्रकाश व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई, जिसकी कल्पना हम लोग कभी किया करते थे वह कल्पना अब साकार हो रही है। सरकार की योजना के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े कार्य जहां पर चल रहे हैं, जैसे 64 करोड़ की लागत से सड़क का सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, ठगड़ा बांध, आपका गौरव पथ का निर्माण, आपका शिवनाथ नदी जो मार्ग है, और उसके साथ ही सबसे बड़ी योजना अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि दुर्ग में शिवनाथ नदी जो कहीं मतलब शुरुआत से ही शिवनाथ नदी यहाँ पर है और जो यहाँ के लगभग 4 लाख से अधिक लोगों के कंठ की प्यास बुझाती है, तो वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, तो उसके लिए 30 करोड़ की लागत से पहले लक्ष्मण झूला स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट में उसका प्रावधान है। दूसरा, अभी 11 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है शिवनाथ नदी के तट पर, और ये इसका कार्य बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आज हमने बाकली वाले महापौर जी के साथ, आयुक्त के साथ, पार्षदों के साथ जाकर उसका स्थल निरीक्षण किया और देखा कि बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे ढंग से उसको विकसित किया जा सकता है, तो उसके लिए स्थान का चयन हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठकर कर लिया है और बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य हो जाएगा और शहर वासियों को, न केवल शहर वासियों को बल्कि आसपास के जो हमारे शहर है उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। उसके लिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं।